हाय दोस्तों, इस वीडियो में हम शेयर करूंगी बेगुनिया का बल्ब को कैसे लगाना चाहिए और किस तरह लगाने से ये नहीं सड़ता है। तो ये वीडियो में आप जरूर देखिए। आप बेगुनिया का बल्ब को लगाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकता है कि ये साइड से नया प्लान उगने के लिए यहाँ पे रेडी हो रहा है। तो इस तरह आप देख के इसको सीधा साइड से लगाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसको आप ऐसे साइड से लगाना है। अगर आप उसको उल्टे साइड से ऐसे लगा देता है तो ऐसे लगा के आप जब भी पानी डालता है तो, क्योंकि ये प्लान ऊपर से नहीं उठ रहा, ये उल्टे साइड चला जाता है, जिसके कारण जब भी आप पानी डालता है तो सड़ जाता है। इसीलिए आप उसको सीधा साइड में ऐसे ही लगाना है। यहाँ पे आप देख सकता है, ज़्यादा डीप भी, ज़्यादा अंदर भी नहीं और ज़्यादा ऊपर भी नहीं लगाना है, जस्ट एक नॉर्मल यहाँ पर टिक के लगाना है। और ये दूसरा एग्जाम्पल है, जैसे ये इसमें प्लान निकालने के लिए ये रेडी नहीं हो रहा है, तो इसको आपको क्या करना चाहिए? तो इसके लिए आपको नहीं पता कि कौन सा सीधा साइड है, तो आप उसको एक प्लास्टिक में थोड़ा मिट्टी डाल के जमा कीजिए। जमा करने के लिए देखिए, मेरा भी एक साथ यहाँ पे 4-5 ये जमा करके रखी है, क्योंकि इसमें साइड से प्लान नहीं निकल रहा है। इसीलिए तो आप 1 वीक ऐसे वेट कीजिए, क्योंकि इसमें 1 वीक ऐसे वेट करने में आपको हल्का सा पता चल जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर मैं कोई दूसरा एक दिखाती हूँ, ये देखिए, कुछ दिन वेट करने के साथ आपको ये पता चल रहा है कि ये इस साइड सीधा है, यहाँ से एक प्लान निकालने के लिए रेडी कर रहा है। तभी आप सीधा साइड से लगा सकते हैं, जिसके कारण ये नहीं सड़ेगा। तो मैं इसको लगा रही हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पे लगा दिया और मिट्टी से मैं इसको बंद कर दिए। तो आपको ऐसे ही लगाना है, और आप एक दिन में पानी डाल सकता है, ज़्यादा ड्राई है तो, या तो 2 दिन में एक बार पानी डालिए। और ये बल्ब को लगाने के लिए कौन सा मिट्टी चाहिए? तो मेरा ये जंगल का ये ड्राई लीव्स है, उसके साथ में मैंने कुछ मोल ऐड किया है। आप भी ऐसे लूज मिट्टी में ही लगाना चाहिए, क्योंकि टाइट मिट्टी और लाल मिट्टी में बेगुनिया का फूल अच्छे से नहीं खिलता है और वो मर भी जाता है। इसीलिए जितना हो सके आपको इस टाइप का मोल यूज़ करना है। ये एक जंगल का लीफी मोल है, ये देखिए। इसका साथ हम वर्मी कंपोस्ट ऐड करूँगी, वर्मी कंपोस्ट को इसके साथ ऐड कर दूँगी, तो जिससे कि प्लांट का ग्रोथ होने में अच्छा होता है। तो यहाँ पे मैं लगा रही इसको भी। मैंने यहाँ पे फुल मिट्टी इसलिए नहीं डाला, जब ये प्लान बड़ा होके इतना हाइट का होगा उस टाइम को मैं ऊपर से और मोल ऐड करूँगी, इसीलिए मैंने उनको हाफ मिट्टी डाला। क्योंकि जब ये प्लान बड़ा हो जाता है तो उसका वेट भी ज़्यादा रहता है, तो उसके लिए आपको ऊपर में और मोल ऐड करना होता है। इसीलिए तीसरा एग्जाम्पल है, अगर आप पहले से बल्ब लगा चुके हैं लेकिन आपको पता नहीं कि वो किस साइड से उड़ रहा है, तो इसके लिए आप दोबारा निकाल के देख सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरा यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लगाया है, तो मैं इसको निकाल के देख रहा है, ये देखिए। ये इसको जब तक ये रूट, ये देखिए यहाँ पे ये रूट जब तक मिट्टी के साथ टाइट नहीं हो तब तक हम निकाल सकता है और इसको देख के सीधा साइड में लगा सकता है, क्योंकि उस टाइम को हमें भी पता नहीं कि उल्टा साइड में लगाया होता भी, तो हम निकाल के सीधा साइड में लगा सकता है ऐसे। तो इसको हम वापस लगा रहे हैं। बेगुनिया का बेस्ट सीजन कब रहता है, कब लगाना चाहिए? तो अगर आप कोल्ड वेदर में रहता है, आप ठंडा एरिया में ही रहता है, तो बेस्ट सीजन होता है स्प्रिंग सीज़न। जब स्प्रिंग सीज़न स्टार्ट होगा उस टाइम को आप लगाना चाहिए, क्योंकि उस टाइम को, जैसे यहाँ पे आप देख सकता है, ये छोटा सा साइड में निकालने के लिए रेडी होता है, तो उस टाइम को आप जब भी इसको उठा के मिट्टी में लगा सकता है। और अगर आप कोई गर्म सीज़न में, जहाँ पे वेदर बहुत ज़्यादा गर्मी होता है गर्म पे, तो उस टाइम को आपको कब लगाना है, तो आप उस टाइम को फरवरी मंथ से स्टार्ट कर सकता है, क्योंकि फरवरी महीना को जो आपको ये साइड साइड में छोटा सा ऐसे प्लांट निकालने के लिए रेडी दिखाई देंगे, उस टाइम को आप जब भी उठा के मिट्टी में लगा सकता है। बल्ब को कैसे सेव किया जाता है, तो मेरा एक वीडियो होगा, आप देख सकता है, मेरा एक पुराना वीडियो है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप वहां पे देख सकता है कि जब भी फ्लावर ख़त्म होने के बाद इसको हम कैसे सेव किया जाता है, तो आप देख सकता है। बल्ब को हम 2 टुकड़ा में यूज़ कर सकता है, या इसको 3 डिवाइड भी कर सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकता है, इसको हम 2 डिवाइड कर रहे हैं, तो इसको भी लगा सकता है, इसको भी लगा सकता है, यहाँ पर आप देखिए।
ये वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला और आपके लिए यूज़फुल रहा तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि आने वाले ऐसे वीडियोस मैं आप तक पहुंचा सकूँ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।